वजीरेक्स इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है। यहाँ से आप किसी भी तरह की क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, जैसे कि आईडी के रूप में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई एक आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है पैन कार्ड, तीसरा है बैंक अकाउंट, चौथा है आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से वजीर एक्स ऐप को डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको अकाउंट बनाने के लिए सेटिंग में जाना है। उसके बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको रेफर कोड पूछा जाएगा, तो आप स्क्रीन पर दिए गए रेफर कोड को यहाँ पर डाल देंगे। रेफर कोड डालने के बाद आपको फ्री में 100 रुपए की बिटकॉइन मिल जाएगी। इसके बाद एग्री पर क्लिक करेंगे और साइन अप पर क्लिक कर देंगे। साइन अप करने के बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है। इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी में जाना है और वजीरेक्स द्वारा भेजे गए मेल को खोलकर अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर से आप उसी ऐप में जाएंगे, यहाँ पर रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आपसे सिक्योरिटी के लिए पूछा जाएगा। आप चाहें तो इनमें से कोई भी सिक्योरिटी चूज कर सकते हैं और चाहें तो नन पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा अकाउंट सेटअप हो गया है। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। ये सारी प्रोसेस होने के बाद आपसे केवाईसी के लिए पूछा जाएगा, तो आपको कंप्लीट केवाईसी कर लेनी है। इसके लिए यहाँ पर अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ केवाईसी को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई कंपनी है तो कंपनी सिलेक्ट करेंगे और अगर आप पर्सन है तो पर्सन सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कंप्लीट केवाईसी पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस डाल देंगे। यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिटी को डालेंगे, यहाँ पर आप अपने एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसके बाद कैप्चर पर क्लिक करके आप पैन कार्ड की फोटो को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की फोटो को अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी को अपलोड कर लेना है। इसके बाद सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ ही घंटों में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि केवाईसी पूरी होने में 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाता है, पर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपकी केवाईसी वेरीफाई हो जाएगी, आप उसके बाद बिटकॉइन को खरीद सकेंगे। केवाईसी वेरीफाई होने के बाद आपको वजीर ऐप्स पर आना है। यहाँ पर आपको नीचे की तरफ फंड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको INR पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, डिपॉजिट और विड्रॉ। आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी डाल देनी है। इसके पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी डाल देनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सेटअप 2FA नाउ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको मोबाइल SMS पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसको यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके ईमेल आईडी पर एक मेल भेजा गया है इसको अप्रूव करने के लिए, तो उसको देख लेंगे। यहाँ पर अप्रूव 2FA रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐप में वापस जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। UPI ID डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, यस इट पर क्लिक करेंगे और कंफर्म होने के लिए एक OTP भेजा गया है। उसके बाद ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट ऑप्शन ऐड हो गया है। इसी के साथ दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको वजीरेक्स के वॉलेट में पैसों को डालना होगा। पैसों को डालने के लिए आपको INR पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको UPI का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों, आजकल हर कोई UPI का इस्तेमाल करता है और UPI से पैसे ट्रांसफर करना भी काफी आसान हो जाता है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप UPI का ही इस्तेमाल करें अपने बैंक अकाउंट से पैसे वजीरेक्स में ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद आप जितने चाहें उतने बिटकॉइन खरीद सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर मेरे ऐप में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है कि जिसकी वजह से यहाँ पर पेमेंट ऐड करने का ऑप्शन जो है नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बॉक्स बन के आता है जिसके बाद आप यहाँ पर पेमेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके में ये शो हो रहा है तो आप जितने का भी बिटकॉइन खरीदना चाहते हैं उतने पैसे आप यहाँ पर डाल दीजिए और पेमेंट पूरा होने के बाद आपके वजीरएक्स अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि इसमें 100 रुपए आप मिनिमम जमा कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी वीडियो कैसी लगी। इसी तरह अगर आप हमारी और भी नई वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो को अपलोड करें तो आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।